हेलो एंड वेलकम। मैं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था घटना चक्र, जिसमें हमने 61 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 3 वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर, हिंदी में गोला, और गोलार्ध हेमिस्फीयर। इसको समझेंगे और जानेंगे। तो आज हम 62 नंबर से क्वेश्चन करेंगे और काफी अच्छे से सीखेंगे। घटनाचक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, मेंसुरेशन 3D। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान देना सभी लोग। प्यारे दोस्तों, ये हमारा स्फीयर, स्फीयर जिसे हिंदी में गोला कहते हैं, स्फीयर। दोस्तों, ये 3D होता है, मतलब सॉलिड होता है। अगर मैं इसके आयतन मतलब वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 πr³ होता है, V फॉर वॉल्यूम या आयतन। और जब मैं बात करता हूं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तीनों इसमें सेम होते हैं, जो कि 4π r² होते हैं, 4π r² होते हैं। मतलब गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, तीनों सेम होते हैं, और जिसकी वैल्यू 4π r² होता है। जब मैं गोले को काट दूं, तो जब मैंने इसको काटा तो कुछ ऐसा बना, जिसे प्यारे दोस्तों हेमी स्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमी स्फीयर। हिंदी में अर्ध गोला या गोलार्ध बोलते हैं। हेमिस्फीयर हिंदी में अर्धगोला या गोलार्ध बोलते हैं। एक चीज ध्यान देना, ये भी इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस और ये भी इसकी रेडियस होगी। दोस्तों, जानने वाली बात क्या है कि अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो गोले का आधा मतलब गोले के आयतन का आधा 2/3 πr³। जब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो उसमें जस्ट इसका हाफ 2π r² होगा। और जब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो वो होता है 3π r². क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाता है। तो हेमी स्फीयर और स्फीयर, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसी हमें आशा है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया को सरफेस एरिया भी बोलते हैं और साथ ही साथ संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब एक चीज और देखिएगा, बहुत अच्छी, मैं सिंपल सी चीज बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। अगर हमने स्फीयर को काट दिया, जब स्फीयर को काटा तो कहीं ना कहीं दो हेमी स्फीयर बन गए, दो हेमी स्फीयर बन गए। मान लो मैंने इस स्फीयर से दो हेमी स्फीयर बना दिए। अब देखा जाए इसका टी ऐसे 3π r² और इसका भी टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ 3π r², तो टोटल हो गया 6π r². कहने का मतलब, अगर हमने स्फीयर को एक बार काटा तो इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया 4π r² था,
बट अब जब काटा तो ये फेस एक्स्ट्रा हो गई, ये फेसेस एक्स्ट्रा हो गई। ऊपर से देखने में सर्कल लगते हैं, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एक्स्ट्रा आया है वो भी इसमें जुड़ जाता है, इसलिए 6 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज आपको बहुत अच्छे से और बढ़िया से समझ में आ गया है, ऐसी हमें आशा है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब पहला क्वेश्चन। तो इस चैप्टर मतलब इस आज के सेशन में बस इतना ही यूज होगा फॉर्मूला, और अच्छे से देखेंगे, काफी क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश होगी। 24 से 25 क्वेश्चन हम करा देंगे आपको आज। ध्यान देना छोटी छोटी चीजों को। जब बात करते हैं 62 नंबर, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा गया। 17.5 व्यास है, तो व्यास है तो अच्छी बात है, इसका मतलब 35/2 होगा और ये 2R के बराबर, क्योंकि डायामीटर है, R बराबर 35/4, तो इसकी रेडियस मालूम चल रही। फिर कह रहा है दो बराबर भागों में काटा गया, तो इससे एक और दो बराबर भागों में कट गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। ध्यान देना सारे बच्चे, स्पेयर का टी एस ए जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और हेमी स्पेयर मतलब अर्ध गोला या गोलार्ध का, इसका टी एस ए 6 पाई आर स्क्वायर होगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। प्यारे दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से, अगर मैं इनको देखूं तो रेशियो 2:3 आ जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कट गया 2:3, पर एक तरीके से जो 2 है वो 4 पाई आर स्क्वायर के है। दोस्तों छोटी छोटी बात याद रखना, और तो 2:3 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है 1, या ऐसा कर लो, चलो ऐसे कर ले रहे हैं, हम आपको दो बार बता देंगे 1 है, तो दो बराबर दिस वन, हमें एक की वैल्यू चाहिए। अब ये 4 ऐसे रखो, पाई 22/7 आर जो कि हमने निकाला है 35/4 × 35/4, ये जो वैल्यू है वो 2 यूनिट की है, कितने की 2 यूनिट की, और हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। दोस्तों काटने का तरीका 7 × 35 5 बार में जाएगा, 4 × 4 जाएगा, 2 से ये 11 बार में जाएगा, देखा जाए तो 11 × 5 × 35/4 आया। अगर हम देखें तो 35 × 5 = 25 × 75 × 11/4, 7 × 5 = 12, 8 × 9 = 1925/4, इसका भाव दे दो। देखा जाए 4 × 16 4 बार में गया, बचा 16, तो 32, 8, फिर 1,
481.25 इसका आंसर आएगा। अगर किसी को भी डाउट है तो बोलो कि सर हमको डाउट है, अन्यथा हमने मक्खन तरीके से आपको सिखा दिया। दोस्तों चीजों को बड़े प्यार से सीखना चाहिए। अब अगर आप बोलोगे तो हम रिपीट कर देंगे अपने शब्दों को। देखो ये एक स्पेयर है जिसका डायामीटर 70.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 35/2 जिसका मतलब 2RD, तो R बराबर 35/4, इसको काट दिया गया तो ये दो अलग बन गए। अब देखा जाए इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² और इन दोनों का 6πr², तो पहले बताया था रेशियो लिया 2:3, कह रहा डिफरेंस बताओ, तो दो यूनिट की वैल्यू 4πr² की है, तो एक यूनिट की वैल्यू 481.25 ये हमने कैलकुलेट किया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार फिर से समझे, तब वो बच्चा कुछ ना करे, जैसा हम बताएं वैसा ही करे। देखो 4πr² 6πr² तो डिफरेंस है 2πr², 2 × 22/7 = 8, 35/4 एंड 35/4 इसको भी कैलकुलेट करें तो वही आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखा जाए 2 × 2 = 11 बार और 7 × 5 बार। अब आप देखो इसका इसमें इंटू किया 175 × 11/4, 5, 7, 5, 12, 2 + 8, 8, 9, 1925/4 भाग दोगे 481.25 आएगा। तो ऐसे भी आप सारे लोग इसे कर सकते हैं, अरे हां कि ना। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया है, मतलब 62 नंबर। चलते हैं 63 नंबर, धीरे धीरे हम सीखेंगे और जानेंगे। ध्यान देना हमारी बातों को, जैसे हम बात करते हैं 63 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या दी गई है रेडियस 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर, अर्धगोले, अर्धगोले को पिघलाकर तो मतलब जो भी पिघलता है वो उसका आयतन होता है, मतलब वॉल्यूम होता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदे, तो n गेंदे बना सकते हैं, 4/3 πr³, ठीक है। दोस्तों बहुत अच्छे समझाएंगे, इसकी रेडियस r₁ = 1। ध्यान देना यह क्वेश्चन, देखो कोई चीज था, अर्धगोला था हमारे पास, बड़ा सा समझ लो, अब उसको पिघला के छोटी छोटी गोलियां बनानी है, छोटी छोटी गोलियां। तो हमेशा याद रखना किसी भी आकृति से अगर हम दूसरी आकृति 3D में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं 3D में कहीं ना कहीं उसको मेल्ट या पिघलाते हैं, तो वहां पर आयतन पिघलता है। सामने दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 2 से ये 2 गया, r³ मतलब 6 का³, n ऐसे, ये 2 ऐसे, r₁
मतलब 1 का क्यूब 216 2n n बराबर 108, तो 63 का जो आंसर आएगा वह 108 आएगा, 108 आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो दोस्तों और बढ़ेंगे और सीखेंगे, ध्यान देना हमारी बातों को। 63 नंबर हो गया, एनसीईआरटी की भी मैथ चालू कर दी है क्लास 9 की, उसमें भी मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हो बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में, भाई बहन है उन्हें भी जोड़ सकते हो, एनसीईआरटी मेंसुरेशन क्लास 9 सबके काम की है। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, गोले की त्रिज्या में 10% कमी आती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी, 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस में जो कमी है वह 10% की है। और हमसे कहा गया आयतन में कितनी कमी आएगी, देखो कहीं ना कहीं ये चीज है, माना आयतन 100, 3 बार कमी मतलब 10% घटाओ तो 90 आया, 90 का 10% 9 घटाओ 81 आया, 81 का 10% 8.1 घटाओ, अगर घटाएंगे 81 में से मान लो 9 गए तो 72.9 जोड़ लेना यही आएगा। दोस्तों पहले आयतन 100 था, अब ये क्योंकि 10% 3 बार ऑपरेशन होगा, जब 3 बार ऑपरेशन होगा तो आप कह रहा कितनी कमी आई परसेंटेज में, तो दोनों का अंतर 27.1 और किस पे 100 पे इंटू 100, मतलब जो कमी आई वो 27.1% की आई, तो ये इसका आंसर होगा। इससे पहले 3 पार्ट आपने देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है वहां से जाके, और कई बार ऐसी चीजें हमने बताई है। अब ध्यान देना, या मैंने कई बार बताया है कि 10% का अर्थ है 1/10, 10 से रेडियस 9 हो रही है, और ऐसा 3 बार हो रहा है, एक बार नहीं 3 बार, 1000 से 729, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो 271 आएगा, और डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 20 से 20 भाग दिया, 27.1%, 27.1% इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो लॉक कर दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो 64 नंबर कंप्लीट कर दिया, अब हम चलेंगे 65 नंबर की ओर, 65 नंबर की ओर, सारे एक एक करके सीखेंगे, ध्यान देना हमारी बातों को। जैसे कि हम बात करते हैं 65 नंबर की, क्या कह रहा है इसको समझेंगे। कह रहा है 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं 2, 4, 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई, और 3 है तो 3 बार करेंगे, तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 6 का क्यूब, पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, इस प्रक्रिया में 25% बर्बाद हो गया, तो जो बचा होगा वो 75% बचा होगा। तो नए गोले की त्रिज्या क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर बताएंगे। हम आपको पहले बता दें
ध्यान देना छोटी सी बात को बहुत अच्छे से, छोटी सी बात को बहुत अच्छे से। क्या तीन गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 2, 4, 6, 2, 4, 6, दो का क्यों, चार का क्यों, छह का क्यों, ये है दो का क्यों, चार का क्यों और छह का क्यों। मतलब 2, 4, 6 त्रिज्याएं, अब आयतन निकालेंगे तो ये बनाते समय 25% बर्बाद हो गया, तो बचा कितना 75%, जिसकी वैल्यू 4/3 πr³, एक नया गोला बना रहे। ध्यान दो, कहते हैं ये 3/4 होता है, 4 × 3 π, 4 × 3 π कैंसिल, 2³ 8, 4 × 64 और 16 × 200, 6 × 216, 3/4 r³। देखा जाए 64 8 होता है कितना 72, जब इसमें जोड़ा तो 6² 8 8 288 आया और उसका 3/4 = r³। दोस्तों 4 से भाग दे दो, 7 × 4 = 28, 72³ 216 r³ की, r = 6 क्यों, तो इसका आंसर 6 आएगा। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्लियर हो गया होगा। तो 65 नंबर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो 65 के बाद अब हम चलते हैं 66 नंबर में। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 65 नंबर सीपीओ के एग्जाम में आया है। और एक चीज याद रखना, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं खुद से क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। 65 के बाद छाछक 66 नंबर, एक धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंक्वाकार गोलियों में ढाला गया, मतलब ये गोला था और इसको मेल्ट कर शंक्वाकार गोलियों में बनाया गया। यदि उस गोली की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है, गोली की त्रिज्या ऊंचाई से 2 गुनी, माना ऊंचाई r, हमने क्या मान लिया r, तो रेडियस इसकी 2r हो जाएगी। गोली की त्रिज्या धात्विक गोले की त्रिज्या से आधी है, मतलब इसकी त्रिज्या 4r हो जाएगी। तो गोलियों की संख्या क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। पहले तो मेरी बात को समझो, एक स्पेयर है, उससे हमने शंक्वाकार गोली बनाई। कह रहा है जो गोली की त्रिज्या है वो उसकी हाइट का 2 गुना, अगर इसकी हाइट r मान ली तो त्रिज्या 2r और ये 2r गोले की त्रिज्या का आधा, तो 4r का हाफ कितना 2r। भाषा को पढ़ना सीखो। अब गोली का आयतन, स्फीयर का आयतन 4/3 π, r³ मतलब 4r³, कितनी गोली बनी, n गोली बनेगी। कोण का आयतन 1/3 π आर स्क्वायर मतलब 2r² × h, मतलब इसका आयतन होता है ये, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए लिखा है। देखा जाए 3π 3π कैंसिल, 4 ऐसे 4³ 64, r³ × 8, 8 से ये गया, 8 से ये जाएगा। अच्छा एक चीज समझो, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा,
दो का स्क्वायर चार होगा, तो इसको मत काटो, चार से चार गया, चार से चार गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो एन बराबर 64 आएगा। एन इज इक्वल टू 64, मतलब किसी चीज से किसी इसको बनाया गया, मतलब उसको मेल्ड किया गया होगा, दोनों के आयतन बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चल ध्यान देना, 66 नंबर क्लियर हो गया, 40 प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो, बहुत से एग्जाम में पाए जाएंगे। 66 के बाद 67, तीन गोले जिनकी त्रिज्याएं 3, 2, 1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, इस प्रक्रिया में 25% का लॉस होता है तो नए गोले का, इससे पहले बता चुके हैं, तो 4 × 3π तेजी से करेंगे, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब, चलिए सभी लोग आंसर दो, 4 × 3π और अच्छा आर क्यूब, और कह रहा है 25% लॉस हो गया है तो बचा होगा 75%। तो जल्दी से सभी बच्चे कैलकुलेट करके इसकी रेडियस मुझे बताए कि कितनी आएगी, लग जाओ मिशन में, और मैं भी लग गया, 4 × 3π कट गया, ये 3/4 आ गया, तो कहीं ना कहीं 3/4 27 8 और 1 आर क्यूब की, 3/4 36, 4 से ये जाएगा कितनी बार, 9 बार आर क्यूब, तो 27 इज इक्वल 3 का क्यूब और आर क्यूब, तो आर बराबर किसकी, 3 की, इसका आंसर रेडियस 3 आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ध्यान देना और अच्छे से समझना, क्या समझना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, इसको अच्छे समझना वरना गलतियां हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान दो सारे बच्चे। 68 नंबर, दो गोलकों के वजन का अनुपात 8:27, मतलब वजन का अनुपात 8:27 है और दोनों की सामग्री के प्रति एक घन सेंटीमीटर, वजन का अनुपात एक घन सेंटीमीटर, वजन का अनुपात 8:1 है। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं आयतन की बात करूं, तो 8 ये वाला और 1/8 और ये 27 और 1/1, कहने का मतलब जो आयतन हो जाएगा 1:27 हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है तो गोलकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, मैं पहले समझू एक एक शब्दों को, वजन का अनुपात 8:27 दिया गया है, एक घन सेंटीमीटर में वजन का रेशियो 8:1, तो ये सब सेंटीमीटर में, तो 8 और ये वाला 8 डिवाइड बाय 8, 27 डिवाइड बाय 1, तो इसका आयतन 1:27 आ गया। अब त्रिज्या कह रहा है तो सीधी सी बात है, जब ये आयतन आया,
आयतन होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब और 1/27। जानने वाली बात क्या है कि ये वैल्यू इससे कैंसिल, देखा जाए इसका क्यूबिक ले लो तो r1/r2 1:3 आ जाएगा। मैं जानता हूं कि ये 3 का क्यूब होता है और आप भी जानते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का जो रेशियो आएगा r1/r2 1/3 आएगा। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताया करें। और लाइक में बड़ी कंजूसी हो रही बच्चों की, लाइक बहुत कम करते हैं भैया। अगर समझ में आए तो लाइक करो, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करो, कुछ तो करो देवी देवताओं, ठीक है। 69, यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, कह रहा है यदि एक गोलक, गोलक मतलब स्फीयर का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, तो व्यास क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है, 4 पाई से 4 पाई गया, r³/3 = r² तो आप समझ गए होंगे r = 3 आएगा। इसमें भी हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अभी ध्यान देना r = 3 आएगा, बट हमसे कह रहा है उसका व्यास कितना होगा, व्यास डायामीटर, व्यास 2r = 3×6 आएगा। समझ गया होगी क्या क्या रहा था, इसका आयतन इसके पृष्ठीय या टोटल सरफेस एरिया दोनों के बराबर है, अगर बराबर है तो बस r निकाल लिया, डायमीटर 2r और d = 6 के। तो दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ें, क्वेश्चन हो गया 69 नंबर, तो खुशी तो मिल रही होगी कि 69 नंबर भी सर ने करा दिया। बढ़ेंगे और सीखेंगे, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं क्या है दोस्तों, 70 नंबर की। एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, गोलार्ध बोला, गोलार्ध मतलब 2/3 पाई r³, क्योंकि गोलार्ध हेमिस्फीयर का आयतन ये होता है, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया जो कि 3 पाई r² ये TSA है और ये आयतन है, किसका, हेमिस्फीयर। तो हमसे कह रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, कुछ नहीं करना देवी देवताओं, कैलकुलेट करना है कल। तो ये जो वैल्यू आ गई 2/3 r = 3 के, r = 9/2, 4.5 आंसर। समय हम नहीं बर्बाद करेंगे, तेजी से सीखो और अच्छे से। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। 70 नंबर के बाद अब हम चलेंगे 71 नंबर, 71, जो जैसा है वैसा, जैसी देवी वैसी पूजा, ये समझ लो, ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। 71 नंबर, एक गोलार्ध कटोरी की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर, इसकी त्रिज्या 6 है, कटोरी की धारिता, धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन, सीधी सी बात है इसका आयतन होता है 2/3 पाई r³, रख के सॉल्व कर लो, 2/3 पाई मतलब 22/7 6 का क्यूब, तो 2/3 22/7 और 6 × 6 × 6, इसको कैलकुलेट करना है दोस्तों, 3 से ये 2 बार में जाएगा,
जब तीन से ये दो बार में गया तो चार, चार गुणे बाईस 88, छह गुणे छह 36, 88 अपॉन 36 डिवाइड बाय 7, घर में बैठ के कैलकुलेट करो तो आएगा 452.57। भैया भाग तो देना आता ही होगा भाई, 88 इंटू 36 कर लोगे, इसका जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक सात का तो भाग दे सकते हो, कहो तो मैं सजा के बताओ, ठीक है, इनका इंटू कर लेना, जो आए ईमानदारी से सात का भाग देना और आंसर की क्या प्राप्ति होगी, ध्यान रहे सीखो। 71, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं। आने वाला सेशन मतलब कल का जो सेशन होगा वो बहुत अच्छे होने वाला है, ये ध्यान सारे बच्चे देना, कल का सेशन जबरदस्त होगा। किसी गोलक और अर्ध गोलाक की त्रिज्या एक समान है, उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो टीएसी स्फीयर का और टीएसी टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का, तो स्फीयर का होता है 4πr² और हेमी स्फीयर का होता है 3πr², कट गया तो 4:3 आंसर आ गया। 72 नंबर बहुत आसान था, करा दिया समय ने, इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्फीयर मतलब गोला, हेमी स्फीयर मतलब अर्ध गोला या गोलार्ध, और टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा था, ठीक है। 72 के बाद 73 नंबर, अब कहते सर भाग रहे हो, नहीं काफी क्वेश्चन है, इसलिए यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, पहला गोला 4πr1 क्योंकि टोटल सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल सब बराबर होता है, दूसरा 4πr2² 4/9 है, ये दोनों कट गए, इनका r1/r2 जो कि 2/3 क्योंकि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात v1/v2 जो कि 4/3πr1³ और 4/3πr2³ ये कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 का होल क्यूब मतलब 2/3 का होल क्यूब 8/27, इसका आंसर 8/27 आएगा। तो कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन था दोस्तों, जितने प्यार से आपको सिखाया जा रहा है तो आपको भी क्या खुशी मिल रही होगी, डेफिनेटली कि आपको क्या मिल रही होगी, खुशी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 74, इसको भी सीखेंगे और जानेंगे, इसको भी सीखेंगे और जानेंगे। 74 हमसे कह रहा है, एक गोला दो गोलार्ध में काटा गया, एक गोला दो गोलार्ध में काटा गया, ठीक है, उनमें से एक का उपयोग कटोरे के रूप में किया गया, चलो इसको कटोरा मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार बर्तन को बनाने के लिए 8 कटोरे लगते हैं, मतलब शंकु का आयतन 1/3πr1² / h1 कितने लग रहे हैं, 8, क्या कटोरे 2/3πr³, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, पहले तो समझो, मैं रिपीट करता हूं,
क्या एक गोला था, उसको दो बराबर भागों में काट दिया, तो गोले को दो बराबर भागों में काट दिया। अब इसको एज ए कटोरा, तो कटोरा तो ये हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर टू, तो 8 कटोरे से हमें क्या बनाना है, कोन बनाना है, और जिसकी रेडियस और हाइट हमें दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं आयतन बराबर करना होता है। तो देखा जाए इसकी हाइट हमें 12 दी गई है और रेडियस 6 दी गई है, तो ये ऐसे मान लो। अब हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको, जल्दी से समझना। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, आर 1, 6 का स्क्वायर एच 12, 8 2, ये चाहिए। देखा जाए चलो 36 × 12 और 8 × 2 आर क्यू, कटम पिटी कर लेते हैं, 4 × 9 = 4 × 3 मतलब आर क्यू बराबर 27। तो आर बराबर किसकी, 3 की, आर बराबर 3 के, मतलब कि इसका आंसर 3 सेंटीमीटर आएगा इस पे, मतलब जो ये गोला है उसकी त्रिज्या क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर। कटोरे की भी त्रिज्या क्या, 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसी हमें आशा है। तो दोस्तों इसे अब रफ किया जाता है, 74 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब चलते हैं 75 नंबर की ओर, उसे हम सीखेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान देना, एक अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6, तो अब आंतरिक हो चाहे कुछ भी हो, त्रिज्या तो त्रिज्या होती है, मतलब r बराबर किसके, 6 के। आंतरिक सतह क्षेत्रफल कितना होगा, अब आंतरिक सतह क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, ऊपर वाला पोर्शन नहीं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जिसे वक्र पृष्ठ कहते हैं वह 2πr² होगा, 2 ऐसे पाई, यहां दिया गया है कि पाई बराबर 3.14 यूज करो, तो 3.14 यूज करना है, और 6 का स्क्वायर। दोस्तों कहीं ना कहीं जब आपने इसका इसमें इंटू किया तो ये 6.28 आ गया, और 6 का स्क्वायर 36। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़े और तभी आंसर आएगा। अगर हम चलते हैं ऑप्शंस की ओर, तो ऑप्शंस में हमको दिया गया है 400, 289.75, 225 एंड 226.08, ऐसा हमें ऑप्शंस दिया गया है। दोस्तों एक बात ध्यान देना, मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूं कि 8 × 48 तो क्या आएगा, 8 आएगा लास्ट में, ये तीनों में से किसी में नहीं है, लास्ट वाले में है, तो इसका इनटू आएगा 226.08, तो राइट आंसर इसका यह हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, कर्व सरफेस एरिया पूछा था, रेडियस दिया, बस कैलकुलेशन है, राइट। चलिए तो कहीं ना कहीं 75 हो गया, चलते हैं 76 नंबर की ओर, उसे सीखेंगे और जानेंगे। 76 नंबर, ध्यान देना सारे बच्चे, दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर है, मतलब दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता इतनी और इतनी है, अच्छा अलग अलग है, मतलब पहले वाले का आयतन 6.4 लीटर है
एंड दूसरे वाले का आयतन 21.6 लीटर है, ठीक है। उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, बस इतना ही बोला गया है। साथ ही साथ अर्धगोले हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को समझना, तभी ज्ञान के लिए बता दें, जैसे कुछ बच्चे परेशान होते हैं वो लोग सुन लें कि अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1000 लीटर होता है, और अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो 1/1000 लीटर होता है। ये माइंड में सेट कर लो। यहां इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से हमें V1/V2 करना है। अर्धगोला 2/3 पाई R1 का क्यूब, 2/3 पाई R2 का क्यूब, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। दोस्तों देखा जाए कि 6.4 ऐसे और 21.6 ऐसे, अगर हमने यहां से दशमलव हटा दिए तो 64/216, ये 4 का और ये 6 का क्यूब होता है। जानने वाली बात क्या है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, 4/6 को बोलते हैं 2/3 का क्यूब, 2/3 का क्यूब, क्यूबिक हटा दो तो R1 और R2 का जो रेशियो आएगा प्यारे दोस्तों वह 2:3 आ जाएगा। तो हर एक बच्चे को ये बात क्लियर हो गई होगी, ऐसी हमें आशा है। तो 76 नंबर क्लियर हो गया है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसे सीखते हैं। सारा उद्देश्य सीखना ही है। तो 76 में कुछ नहीं था, आप समझ गए। अगर कभी कंफ्यूजन आए तो आप इसको दोबारा पैक करके देखिए, पर परेशान बिल्कुल मत होइए। 76 के बाद 77, एक बाल्टी में 30 धात्विक गोले डालने पर 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब जल बाहर आता है। 2000 पाई, ठीक है, 30 धात्विक गोले डालने पर, मतलब 30 गोलों का वॉल्यूम जो भी हो, और इससे जो पानी आ रहा है 3000 पाई है, 2000 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, समय। मान लो कहीं पर भी एक पानी रखा है। अब याद करो बचपन में कि कौवा पानी में कंकड़ डालता था तो पानी का लेवल घड़े से बढ़ा था, उतना ही तो पानी बढ़ेगा जितना कंकड़ जाएगा। अब कहीं पानी है जहां पर मैं 30 धात्विक गोले डाले और इतना पानी निकला, तो इतना पानी अगर निकल रहा है इसका अर्थ आप समझे क्या कि वॉल्यूम बराबर होगा। अब रेडियस निकालनी है तो बस कुछ नहीं करना, 30 ऐसे 4/3 पाई आर क्यूब, 2000 पाई की कैलकुलेशन है, इसको समझना सभी लोग। पाई से पाई गया, 3 से 10 टाइम्स, 0 से 0 गया, 4 से भाग दे तो ये 50 आया, मतलब जो रेडियस आएगी 50 क्यूबिक क्यूब रूट। आंसर आएगा R=50³/1/3। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 77 हो गया। चलिए चलते हैं 78 की ओर और इसे सीखेंगे।
इसीलिए सीखेंगे बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशे की बॉल बनाई गई। एक बात याद रखना, बड़े गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये भी कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर में, जिसे एमएम भी बोल सकते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या। ठीक है, छोटी छोटी शीशे की बॉल बनानी जाए, शीशे की 3 सेंटीमीटर मतलब बड़े वाले की त्रिज्या ये है और छोटे वाले की 3 मिलीमीटर, तो बॉलों की संभावित संख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, दोनों के आयतन बराबर कर दोगे और आंसर मिल जाएगा। बात को समझना, अगर मैं पहले का आयतन 4/3 πr³³ और कितनी बॉल है एन बॉल मान लो, क्योंकि रेडियस कम हुई तो ज्यादा मिलेंगे, और 4/3 πr²³। जानने वाली बात क्या है कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गए, तो नो रोल। अब आर वन जो कि मिलीमीटर में हो, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में, तो 6×10 फिर से 6×10 और 6×10 ऐसे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर टू जो कि कहीं ना कहीं 3×3×3 है दोस्तों, 3 से ये 2 बार 2 बार 2 बार ये कैंसिल, ये 8 हो गए और 3 0, तो जो छोटी छोटी बॉलें बनाई जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, 8000, कितनी हो जाएंगी, 8000। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे और सीखेंगे। 78 क्लियर, चलते हैं 79 नंबर की ओर, उसको जानेंगे और अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों चीजों को सीखो, सीखो जितना अच्छे से सीखो। धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब 6 सेंटीमीटर, 2r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये तो त्रिज्या हो गई, वाले 1000 ठोस गोलों को गलाकर उन्हें एक नए ठोस गोलों में ढाला जाता है, तो नए गोले का व्यास कितना होगा। दोस्तों देखा जाए ये जो है ये 4/3 πr³, मतलब 3 का³, और कितने को गलाया गया, 1000 को गलाया गया, और इससे बड़ा तो 4/3 πr³, क्योंकि हमें इसकी त्रिज्या मतलब व्यास चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, छोटी छोटी कंचियां हैं या गोलियां हैं उनको गलाया गया, कितनी थी, 1000, 1000 को गला के बड़ा सा बनाया गया। मेंटोस देखा होगा, छोटी छोटी गला के जोड़ दो, ठीक है समझो। तो दोस्तों कैलकुलेशन को बस देखना है, नथिंग स्पेशल, ओनली कैलकुलेशन, 3 का³, 10 का³ एंड r का³। तो r इज इक्वल टू कितना, 30, r इज इक्वल टू 30, तो रेडियस जो आ गई है वह 30 आ गई है। और अगर हम बात करते हैं डायमीटर, तो डायमीटर होता है 2r, मतलब 2×30, इसकी वैल्यू 60 आएगी, कितनी आएगी, 60 आएगी। तो आशा है ये चीज आप सारे लोग सीख गए हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप लोग सीख गए, 79 क्लियर। तो सभी लोग जल्दी जल्दी बता दिया करें कि सर क्लियर हो गया है, खुशी हो गई, अब हम अच्छे हैं, कुछ तो बोलते रहा करें। और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। एक गोले का
सतह क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सतह का क्षेत्रफल और गोला है तो वो क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही 616 की होगा। ठीक है, गोले का आयतन कितना होगा? और गोले का आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस अब कैलकुलेशन को सीखना है और समझना है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों बातों को ध्यान देना बहुत अच्छे से। चार ऐसे पाई जो कि 22/7, आर स्क्वायर ऐसे रखो क्योंकि ये चाहिए होगा 616। अब एक बात को ध्यान दो, 11 से ये दो बार में जाएगा, 11 से काटो तो ये 56 आएगा। अब देखा जाए 8 से ये जाएगा कितनी बार, 7, मतलब आर स्क्वायर बराबर 7×7, आर बराबर 7 आ गया। अब आयतन की बात की जाए तो 4/3 पाई मतलब 22/7, आर 7 से 7 गया। बस इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जो आएगा वो हमारा क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे, समझो कोई बड़ा इशू नहीं है कैलकुलेशन भी। ठीक है, ऐसा करते हैं, इन दोनों का इंटू किया 88, इन दोनों का इंटू किया 49 डिवाइड बाय 3। अब मान लो 50 का 8 में इंटू करते तो 400, 400 में से 8 कम कर दो 392, दो ऐसे 39 हासिल, वही 392 फिर से आएगा। तो 9×3=13, 431/3 ये हो जाएगा। और उसके बाद ईमानदारी से भाग दे दो, ईमानदारी से भाग दे दो, 3 से जब भाग दे रहे हैं तो 3 से 42 14 और 119 23 21 तो कहीं ना कहीं 1437 2/3 आएगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, अगर कुछ मिसमैच हुआ है तो डरो नहीं, हम बताएंगे। कुछ भी मिसमैच हुआ होगा तो हम स्वयं आपको बता देंगे। तो कुल मिलाकर 42 यहां से 11 9, ओहो ये 2 है, ठीक है, तो कोई बड़ा इशू नहीं था। तो यहां 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें भाग दोगे तो ये आंसर आएगा 13। तो चीजों को अच्छे से सीखिए, मैं रिपीट कर देता हूं, हमसे टोटल सरफेस एरिया 616 दिया गया, कैलकुलेट किया, रेडियस निकाली, वॉल्यूम बस कैलकुलेट करना, नथिंग स्पेशल। तो ये था 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान देना, देखिए सारे वीडियो जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं वो सारे आप सबके लिए क्या फ्री करके रखे हुए हैं, मतलब किसी पर चार्जेस नहीं लेते हैं। बट एक चीज देखो, कहीं ना कहीं लाइटिंग का खर्चा, मेहनत, वॉट एवर चीजें लगती हैं, ये आप भी जानते हो। तो यहां पर हमने कुछ आपको डिटेल्स दे रखी हैं, अगर आपकी जो श्रद्धा है वो आप कर सकते हैं, मेरी बात को समझना, जो श्रद्धा है आपके पास नहीं है तो मत, जिसके पास है तो वो कर सकता है।
जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, आपका भी योगदान रहेगा। तो ये चीजें जो यहां पर लिखी हैं प्रॉपर वे में, आपकी जितनी श्रद्धा है, जो इच्छा है, जैसा भी, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब एक वीडियो का तो खर्चा निकल ही है इस टाइप से, और कोई इशू नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो आपकी इच्छा, 1 रुपए भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता। 81, एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का 2 गुना है। ठीक है, एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का 2 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, एक चीज समझो, मान लो इसका व्यास 2R है, तो इसका व्यास 4R होगा कि नहीं होगा? यस या नो, ईमानदारी से। और इसकी रेडियस R होगी और इसकी रेडियस 2R होगी। कह रहा है पहले का वक्र सतही क्षेत्रफल दूसरे के आयतन के संख्यात्मक दृष्टि से बराबर है। मतलब इसका 4π का टोटल सरफेस एरिया 4π 2R का स्क्वायर, और इसके वॉल्यूम मतलब आयतन 4/3πR³ के क्या बराबर है? क्यों के बराबर है। तो पहले गोले की त्रिज्या का मान कितना होगा? दोस्तों इसको सीखेंगे, पहले गोले की त्रिज्या, तो 4π से 4π गया, यहां देखो 2 का स्क्वायर 4R² ठीक है। एक चीज को समझना, देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं चीजों को समझना। यहां R³/3, अब आप एक चीज देखो, 4 × 12 = R³। तो अगर छोटे वाले की त्रिज्या बोलता तो 12 और बड़े वाले की बोलता तो 24, तो हमसे बड़े वाले का बोला गया है, इसका आंसर 24 आएगा। अरे बोल दो हाँ। दोस्तों ये था 80 नंबर क्वेश्चन। एक चीज और ध्यान देना, जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा मतलब नेक्स्ट क्लास, बहुत अच्छी होने वाली है। ये 81 नंबर था, बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होंगे और चीजों को हम सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीजें ध्यान देना। क्या 3 ठोस गोलों की त्रिज्या R₁, R₂ और R₃ है, इन गोलों को बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया गया, तो इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? अरे बड़ा आसान है, 4/3πR₁³ 4/3πR₂, क्योंकि वॉल्यूम को ही गलाते हैं, जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं। और ये आएगा 4/3πR³, तो ये 4/3πR कट जाएगा, देखा जाए R₁³ R₂³ और R₃³ R³ के बराबर। अब हम ऑप्शंस में नजर डालें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आंसर R₁, R₂ और R₃³ 1/3, ये इसका आंसर होता। तो आंसर आएगा 82, कितना आएगा? 82 इसका आंसर आएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अरे बोल दो हां या ना। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान देना, और सारी चीजों को 82 के बाद अब हम चलेंगे 83 नंबर में, तो उसको भी सीखेंगे।
कह रहा है 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस धातु के। अच्छा अर्धव्यास बोला गया है, मतलब अर्धव्यास का अर्थ क्या हुआ, त्रिज्या हुई कि नहीं हुई। ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे छोटे ठोस गोले बनाए गए, तो इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अच्छा पहले तो आप क्या करो कि आयतन निकालो, देखो समझ लो, एक बार फिर से 8 सेंटीमीटर एक ठोस गोले को 4/3 pi R1 का क्यूब पिघलाकर कितने 64, 4/3 pi R2 का क्यूब। अब चीजों को समझना सारे दोस्तों, पहले तो ये चीज हम कंप्लीट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं 4/3 pi 4/3 pi कैंसिल। अब देखो R1 का क्यूब 4 का क्यूब और R2 का क्यूब, मतलब R1/R2। अच्छा R1 हमको दिया भी गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐसे रखो, और R1 4/1, R1 हमको 8 दिया गया, तो 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के। फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर हमसे कुछ बोल गया, हमसे कह रहा है इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, तो 4 इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताया जाएगा। देखो 4 pi R1 का स्क्वायर और 4 pi R2 का स्क्वायर। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के तो 4 pi से 4 pi कट जाएगा, R1 तो 8 का स्क्वायर और R2 4 का स्क्वायर, 64 और 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 2 के, 2 का इंटू होगा, बस इसीलिए मैं रुका हुआ था, तो ये आएगा 4 16:1, इसका आंसर आएगा 16:1। ये था 83 नंबर। मैं एक एक शब्दों को रिपीट कर देता हूं। देखो पहले बोला गया कि एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 8 है और 64 छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा, तो यहां से हमने बराबर कर दिया, तो R1/R2 4:1 आ गया। हमें पहले गोले की त्रिज्या दी गई थी तो 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 2 के। फिर हमसे कह रहा है इनके सरफेस एरिया, तो 4 pi R1 का स्क्वायर माइनस 4 pi R2 का स्क्वायर। तो देखा जाए R1 तो यहां 8 आया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 2 आया 2 का स्क्वायर, 64 4, तो 16:1। तो जल्दी जल्दी बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 83 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे प्यारे दोस्तों 84 नंबर में और उसे भी सीखेंगे 84 नंबर। कह रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन ज्ञात करो, तो आसान, मतलब 2R = 7 के, तो R = 7/2 आयतन, आयतन तो 4/3 pi R³, तो 4/3 pi 22/7 और ये 7/2 का होल क्यूब। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ध्यान देना, बिना कैलकुलेशन नहीं, तो मतलब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुल मिलाकर ये समझो 4/3 22/7 7/2 तो 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार, 4 से ये पूरा गया, 11 × 7 = 49, 49 × 11 तो 49 × 11 9 × 4 = 13 590 और 49 इतना ठीक है, डिवाइड बाय 3, बस ये भाग देना है और कोई बड़ा इशू नहीं है। 17 × 51 17 × 9 = 29 तो 179। बाकी आप ऑप्शंस देख लेते हैं, जिसमें 179 होगा वही, तो लास्ट में 67 आएगा क्योंकि ऑप्शंस नंबर बी में 179 दिया गया है। देखिए ये चीज अभ्यास से आपको आ जाएगी, ठीक है, कोई बिग इशू नहीं है। अब इन जनरल हमारा टीचर पहले बचपन में क्या, पाई का मल्टीपल, अब बताओ हम पाई का मल्टीपल, नो डाउट पाई का मल्टीपल होगा, बशर्ते कुछ चीजों को फैक्ट के साथ समझो, ठीक है, कभी कभी दशमलव में मिलेगा, कभी नहीं, कहीं अप्रोक्स होगा, तो हम 11 और पाई का मल्टीपल सब चेक करते रहा करेंगे जब ऑप्शंस देखेंगे, वो तो हमको आता ही है, ठीक है। चल दोस्तों बात करते हैं 85 मतलब स्पेयर और हेमी स्पेयर का एक तरीके से अंतिम क्वेश्चन। 85 नंबर क्या कह रहा है उसको समझेंगे। कह रहा 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर अच्छा हो गया था 85 है, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8π है, तो 4π r² = 8π है, गोलक का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन निकाल देंगे 4/3π r³। अब यहां पर कैसा आंसर होगा इन सब चीजों पर चर्चा, कोई बिग इशू नहीं है क्या, क्योंकि देखो 4π से ये गया 2 बार, r = √2 आया, बस यहां दिखा दो 4/3π, r = √2 तो 2√2 क्योंकि क्यूबिक है, बस यही आंसर और क्या, 8/3√2π ये इसका आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने काफी सारे क्वेश्चन आज डिस्कस कर दिए, ठीक है, बाकी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको योगदान देना हो, ठीक है, कि ये कार्यक्रम चलता रहे और फ्री में लोगों को मिलता रहे, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, बूंद बूंद से सागर भरता है, सीधी सी बात। दूसरी बात, प्रकाश अवस्थी ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और हमने एनसीईआरटी मैथ की क्लास चालू की है 4 बजे से डेली, उसको भी जरूर देखिए, आने वाले समय में 3 क्लासेस डेली चलेंगी, एनसीईआरटी मैथ 4 बजे, अर्थमैटिक शाम को 10 बजे और सुबह 10:30 बजे एडवांस मैथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।